महबूबा मुफ्ती ने भी ज्ञान देना शुरू कर दिया है और इसी से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। महबूबा मुफ्ती ने यूपी चुनाव को लेकर कहा कि जब चुनाव होते हैं तो औरंगजेब और बाबर की याद आती है। ये बात महबूबा मुफ्ती ने कही है। यूपी समेत पूरे देश में डर का माहौल है, हिंदू मुसलमान को लड़वाती है बीजेपी। बीजेपी से डरना नहीं है बल्कि डटकर लड़ना है। तो देखिए अब महबूबा मुफ्ती यूपी के चुनावों को लेकर भी यहां पर ज्ञान देती हुई नजर आई। चुनाव में औरंगजेब और बाबर की याद सताती है, ये बात महबूबा मुफ्ती कह रही हैं। सुनिए जरा और क्या कुछ कहा। कहते हैं हमने जी बाहर से लोगों को लाया, यहां तरक्की होगी। अरे पहले यूपी में तरक्की करो ना, वहां दिखाओ ना तरक्की करके। वहां क्यों सिर्फ मंदिर मस्जिद की बात करते हो? वहां अस्पतालों की बात क्यों नहीं करते हो? वहां नौकरियों की बात क्यों नहीं करते हो? उत्तर प्रदेश में कोई संगठन आता है, बोलता है मुसलमानों को मार दो, इनको कत्ल कर दो। मगर बदकिस्मती हमारे के जो बीजेपी के बड़े बड़े लोग हैं वो मुंह नहीं खोलते हैं, बल्कि किसी का मैं सुन रही थी वो कह रहे थे इनको हक है अपनी बात। और मेरे सहयोगी रोहित पोखरियाल गोरखपुर से लगातार जुड़े हुए हैं। रोहित देखिए, महबूबा मुफ्ती जब भारत पाकिस्तान की बात होती है तो ज्ञान खूब बांटती हैं और अब यूपी चुनावों को लेके भी ज्ञान बांट रही और कह रही हैं कि बाबर और औरंगजेब की याद सताती है जब चुनाव होते हैं। और इसी से प्रिया सिंह सोमवंशी, इसी से आप समझिए कि कितना बड़ा चुनाव है उत्तर प्रदेश का, कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हैदराबाद तक, हर जगह बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की। इसलिए तो हम कह रहे हैं ना कि सबसे बड़ा सूबा है और चुनाव का हर एक रंग आपको दिखाएंगा जी हिंदुस्तान। लेकिन आप देखिए महबूबा मुफ्ती है, सुनकर देखिए कुछ अच्छा भी लगता है, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान की हिमाकत करने वाली, बॉर्डर्स पर लगातार जो परिस्थितियां हैं उसमें पाकिस्तान के सपोर्ट में ज्यादा नजर आने वाली, ये अच्छी बात है कि कम से कम उन्हें इस चीज से दिक्कत है कि बाबर, औरंगजेब, इन तमाम नामों से वो दूरी कर रही है। ये एक अच्छी चीज है और कहीं ना कहीं यही वो शबाब है। आप समझिए प्रिया कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो महबूबा मुफ्ती को भी वहां से अपनी बात रखनी पड़ रही है। ये